नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। भाई आप सबका सवाल होगा कि सर आप बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहे हो, उसके लिए हम माफी चाहूंगा क्योंकि चैनल पर कुछ परेशानी चल रही थी, कॉपीराइट आ गया था, उस वजह से हम वीडियो नहीं बना रहे थे। लेकिन अब वो हट चुका है तो अब तुम्हारा भाई भी यहाँ अवेलेबल है। साथियों जैसे कि आप सबको पता है, तुम्हारा भाई DRA को लेकर वीडियो बना रहा है। DRA रिकवरी एजेंसी, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर रिकवरी एजेंसी का काम तो गलत है। नहीं देखो, पहले तो ये समझो, रिकवरी का जो काम है वो गलत तब होता है जब गलत तरीके से काम को किया जाता है। रिकवरी यदि आप गलत तरीके से करोगे तो गलत काम होगा, लेकिन अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो, यदि आप सही तरीके से अपने बोरोवर से बात कर रहे हो तो कोई गलत काम नहीं होता। सही तरीके से पैसे रिकवर करवाओ बैंक के, क्योंकि बैंक ही अपॉइंट करता है आपको रिकवरी करने के लिए। ठीक है, बैंक के लिए ही आप काम कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि बैंक केस देता है रिकवरी एजेंसी को, रिकवरी एजेंसी हायर करती है आप लोगों को। ठीक है, तो कोई गलत काम नहीं होता। अब बात करते हैं कि भाई जो रिकवरी एजेंसी का जो काम है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम रिकवरी एजेंसी कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, या अगर हमें काम करना तो हम कैसे करें। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूँ जिसे आप यूज करके अपनी रिकवरी एजेंसी बहुत जल्दी बना सकते हो और बहुत बढ़िया बना सकते हो। गाइज, रिकवरी एजेंसी का यदि आप काम करना चाहते हो, देखो बहुत सारे तरीके होते हैं आप काम करके इसमें सक्सेस पा सकते हो, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जिन्हें आप यूज करके आपको काम चुटकियों में मिल जाएगा रिकवरी का, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना। गाइज देखो, रिकवरी जब आप करते हो तो सबसे पहले आपको सही जगह ये देखना चाहिए, सही चीज का काम किस चीज का, क्योंकि रिकवरी जो होती है बहुत तरह की होती है। आप क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे लोन हो गए, जैसे मोबाइल हो गया, आपका वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, इनको भी लोग EMI के रूप में लेने लगे। ठीक है, EMI बंधवा कर अपना लेने लगे, तो इनकी भी रिकवरी आप कर सकते हो। ठीक, अब बात जो मेन जो चीज है वो ये है कि सर हम किस तरीके से, क्या करके हम पैसा कमा सकते हैं रिकवरी एजेंसी में, किस तरीके से जल्दी से हमारी रिकवरी एजेंसी बन जाएगी। देखो यार, मैं एक बात बताऊं आपको, रिकवरी एजेंसी बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसका देखो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ सर्टिफिकेट होंगे जैसे DRA हो गया, GST हो गया, ये चीज आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन जो काम उलना होता है थोड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल होता है, बस ये बात समझो, मुश्किल होता नामुमकिन नहीं होता। जब आपको ये काम मिल जाता है तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। ठीक गाइज, अब बात करते हैं जो मेन बात है, मेन चीज क्या है, आपको किस तरीके से काम जल्दी मिलेगा। गाइज देखो, मैं एक बार बताऊं, यदि आप इस फील्ड में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको शुरुआत में ना जॉब की तरफ ध्यान देना चाहिए, नौकरी की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ध्यान इस तरीके से देना चाहिए कि भाई आपको जो काम करना है ना वो इस तरीके से करना है, आपको ना तो सैलरी बेस पे काम करना, ठीक है, ना इंसेंटिव बेस पे काम करना। अब क्या हो रहा है, जो रिकवरी एजेंसियां होती है ना वो एक तरह से ये बात मान लो कि ठेके पर देती हैं, नॉर्मल भाषा में बात करूं तो ठेके पे काम दिया जाता है। ठेके पे इस तरीके से काम दिया जाता है जैसे कि भाई आप 50 केस कीजिए, आप 100 केस कीजिए, इस तरीके दे दिया। जॉब और इंसेंटिव सैलरी का ये हिसाब होता है कि आपको एक फिक्स सैलरी पर रख लिया, अब वो सैलरी ही आपको पर मंथ मिलनी है, कुछ इंसेंटिव बन गया तो वो आपको प्रोवाइड हो गया, ऐसा नहीं होगा। और जो ठेका पे काम करते हो, ठेके पे इस तरीके से आप काम करते हो कि आपको केस प्रोवाइड करवा दिए, क्या भाई 100 केस दे दिया, 200 केस दे दिया, अब रिकवरी एजेंसी को कोई मतलब नहीं है आपसे कि भाई आप कितना ही काम करो, आपके सामने मैदान खुला हुआ है, आपको रण में कूदना है, आपके सामने मैदान है, जितना आप कमा सको उतना कमाओ। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, किसी से बदतमीजी करके नहीं, किसी से प्यार से पैसा निकालो, कोई दिक्कत नहीं होती, पैसा बॉरोवर देता है। ठीक है, तो ये चीज है गाइस। देखो, अगर आपको काम करना है रिकवरी एजेंसी का तो आप जॉब की तरफ जाके उनसे यही चीज करो कि हम सर आपसे केस ले लेंगे और हम अपने तरीके से काम करेंगे, क्योंकि सैलरी पे तो आप बन जाओगे, आपको बंधना नहीं है, यदि आप बंध गए तो बंध गए, बंधना नहीं है आपको खुला काम करना। उससे क्या फायदा, उससे दो बेनिफिट ये हैं, एक तो आप जो काम करोगे उससे आप बंधोगे नहीं, ठीक है, और जो बनता नहीं है ना व्यक्ति वही बिजनेस कर सकता, वही व्यापार चला सकता अपना। ठीक है, क्योंकि आपको रिस्क लेना आ जाएगा, आपको उतार चढ़ाव देखना मिलेगा इसमें। ठीक है, और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके जो कॉन्टैक्ट है वो अच्छे बनेंगे, ना कि उस तरीके से बनेंगे कि भाई ये बंदा नौकरी करता, नहीं इस तरीके से नहीं बनने के, खुद के मालिक बन जाता है आदमी।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मुझे देखने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। आपके प्यार और चाहिए क्योंकि चैनल पर प्रॉब्लम चल रही है, वो भी दूर करनी है। थैंक यू वेरी मच।